हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षित। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और ईपीएफओ की तैयारी, जो बच्चे ईपीएफओ का पेपर देना चाहते हैं उनकी कंटिन्यूएट बेसिस पे ईपीएफओ की प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, ठीक है। ईपीएफओ की प्रिपरेशन नहीं कम होनी चाहिए। हमारे एंड पे से हमारी कोशिश है कि बिल्कुल कोई कमी ना रहे। रेगुलरली आपकी गैप की क्लासेस भी आ रही हैं और रेगुलरली आपकी लेबर लॉ की क्लासेस भी आ रही हैं। पेपर तो देखो होना ही होना है अगले साल, ठीक है। तो वाई टू वेस्ट टाइम, वाई टू रिड्यूस आर चांसेस। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है ना वो आप लोगों के पेपर क्लियर होने की, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। चलो, और जो पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहा है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए, तो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स आज हम पढ़ेंगे, पार्ट वन ये रहेगा। ऑलराइट, बेसिकली हम इस लेक्चर में कवर क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच टू कन्फ्लिक्ट की। पहले क्या अप्रोच होती थी, कन्फ्लिक्ट को पहले क्या कंसिडर किया जाता था और मॉडर्न वेज में कन्फ्लिक्ट को किस तरह से लिया जाता है। दूसरा हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट की, किस वजह से इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट जो है अराइज होता है किसी भी इंडस्ट्री में। और फिर टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बहुत सारे यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में फ़र्क क्या होता है। एक बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो, कन्फ्लिक्ट तो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक साइड इम्प्लॉयर्स हैं, एक साइड इम्प्लॉयज़ हैं, दो डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। सो अगर डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है जब भी डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे तो क्लैशेज होंगी। मियाँ बीवी अगर हैं तो लड़ाई तो होगी, है ना। तो देखो, कन्फ्लिक्ट नेचुरल है, लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट को आप सॉल्व करने की कोशिश ना करो, कन्फ्लिक्ट को आप लटकाती रहे, मैनेजमेंट इंप्लॉयर जो है लटकाता रहे, तो उससे क्या होगा, वो एक तरह से कंक्रीट चीज बन जाएगी। समझ रहे हो? पहले एक प्रॉब्लम अराइज हुई, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने की कोशिश ना की तो वो प्रॉब्लम एग्जैजरेट होती जाएगी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली कन्फ्लिक्ट विल टर्न इंटू अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एक तो ये बात होगी। और जब भी हम देखो कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को हम बहुत सारी जगहों पर सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट लिटरेचर पढ़ते हो, गवर्नमेंट के लॉज पढ़ते हो, गवर्नमेंट के एक्ट पढ़ते हो, या जो भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस पढ़ते हो, तो उसमें बेसिकली डिस्प्यूट वर्ड आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आपको देखने को मिलेगा कि वर्क स्टॉपेजेस हो गया या लेबर और मैनेजमेंट के डिफरेंसेस को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इतना ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओके। चलिए, अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, या ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको आप यूनिटरी अप्रोच भी कह सकते हो। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि अगर कहीं पर कंफ्लिक्ट हो रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो पहली बात तो वो कहती है कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। और ये कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि भैया अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से है, मैनेजर्स की पुअर क्वालिटी की वजह से है, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट को कंप्लीटली अननेसेसरी कंसीडर किया जाता है। ये माना जाता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रक्टिव है। यह है ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब बिल्कुल नेगेटिव साइड पे जो है आपका इसको रखा गया है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्लूरलिस्टिक अप्रोच, या जिसको आप मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हो। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जो कन्फ्लिक्ट है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, वो इनएविटेबल है, ठीक है। उसको आप चाहे जितना मर्जी रोकने की कोशिश कर लो, कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट बुरा नहीं है, इट इज कंड्यूसिव फॉर ग्रोथ, ठीक है। एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज जानने को मिलते हैं। इसको हम थोड़ा सा मॉडर्न व्यू को डिटेल में भी देखेंगे अभी आगे वाली स्लाइड में, ठीक है। लेकिन ये ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये मॉडर्न अप्रोच कहती है कन्फ्लिक्ट। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कह रही थी? नहीं भैया, ये अननेसेसरी है और अनप्रोडक्टिव है। उसके बाद एक अप्रोच आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्स का तो एक ही कहना था कि भैया कन्फ्लिक्ट जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की वजह से है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो समझने की यहां पर जरूरत है, जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच ने भी हाईलाइट की, कि अगर लोग साथ में काम करेंगे तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, एंड इट बिकम्स अ नॉर्मल पार्ट। अब मियां बीवी जब लड़ते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हर बार तलाक ही हो, नॉर्मल लड़ाई भी होती है मियां बीवी के बीच में, है ना। हर बार डाइवोर्स तो नहीं होता, समझ रहे हो। चलो, अब मॉडर्न व्यू को अगर हम समझने की कोशिश करें, मॉडर्न व्यू ने क्या कह दिया कि कन्फ्लिक्ट जो है नेचुरल है और इनएविटेबल है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं,
उन इंडिविजुअल्स की डिफरेंट वैल्यूज होएंगी, डिफरेंट गोल्स होएंगे, डिफरेंट परसेप्शंस होएंगे, तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट को मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि कन्फ्लिक्ट को अगर आपको मेजर करना है तो इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के टर्म्स में उसको मेजर करो, ठीक है, कि क्या वो कन्फ्लिक्ट फंक्शनल है या डिसफंक्शनल है। अब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या कहता है, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट कहता है कि लोगों को एनकरेज होते हैं गोल अटेनमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है कन्फ्लिक्ट से, ठीक है, गोल अटेनमेंट होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। क्यों? अब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या है, मैनेजमेंट ने अपनी टीम को, एक मैनेजर ने अपनी टीम को बोला कि भैया ये प्रोजेक्ट है, डिस्कस करो कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब पांच इंडिविजुअल हैं उसकी टीम में, पांच मेंबर हैं, वो पांचों मेंबर अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, ठीक है, और हर व्यू के प्रोज एंड कॉन्स निकाले जा रहे हैं, एक हेल्दी डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। क्या पता कोई एक मेंबर जो आइडिया दे, जो प्रोज एंड कॉन्स दे, उसे एग्री ना करे दूसरा मेंबर, दैट इज अ टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, पर वो एक हेल्दी कन्फ्लिक्ट है। जो एग्री नहीं करेगा वो उस आइडिया के कॉन्स बताएगा कि इस आइडिया से ये नुकसान हो जाएगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, ठीक है। सो अगर आप यहां पर टेक्स्ट में भी पढ़ो तो प्राइमरी रीजन कंपनीज यूज वर्क ग्रुप्स इज टू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है, एक ग्रुप में लोगों को बिठा दिया ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल सके और ये ग्रुप के लोग आपस में डिस्कशन करेंगे और टेंशन अराइज हो सकती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट व्यूज, बट दिस इज अ हेल्दी कंफ्लिक्ट बिकॉज इट विल हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इट विल हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। अब फंक्शनल कंफ्लिक्ट किस किस चीज में हेल्प करता है, वेरी ब्रीफली, एनालिटिकल थिंकिंग में हेल्प करेगा, प्रमोट कॉम्पिटिशन करेगा, चैलेंजेस फेस करने को हेल्प करेगा स्टाफ को, जब 10 लोगों को आपको फेस करना है, 10 के 10 अपोजिंग व्यूज दे रहे हैं, दैट्स अ चैलेंज, अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, टेंशन कम होगी मेंबर्स के अंदर, ग्रुप को कोहेसिवनेस बढ़ेगी कि हाँ सब लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के डिबेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होगी और वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। अब आप अगर देखो इंडियन पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये बेसिकली क्या है, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर, लोग आपस में डिबेट करते हैं ना, MPs, MLAs लोग, MPs लोग आपस में डिबेट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि बेस्ट लॉ बनाया जा सके कंट्री के लिए, बेस्ट डिसीजंस लिए जा सके कंट्री के लिए, सो दैट इज अ टाइप ऑफ योर फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। अब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट से दूसरी तरफ आ जाता है आपका डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट, ये डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में, ठीक है, जहां पर लोगों की पर्सनल ईगो आ गई कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं वही सही बोल रहा हूं, ठीक है, सामने वाले को तो कुछ नहीं आता, समझ रहे हो। अब जैसे पार्लियामेंट में होता है, पार्लियामेंट में क्या होता है, वो डिबेट करने की जगह वॉकआउट कर जाते हैं कि नहीं हमारा व्यू ही सही है, हम तो वॉकआउट करेंगे, हमें डिबेट से कोई मतलब ही नहीं है, या तो हमारी बात मान लो नहीं तो हम तो वॉकआउट करेंगे, तो वो क्या है, वो एक डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है, पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पार्लियामेंट एक बेस्ट एग्जाम्पल है फंक्शनल कन्फ्लिक्ट और डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए, समझ रहे हो। अब डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट के नुकसान क्या है, टेंशन बढ़ेगी लोगों के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, लोग नौकरी छोड़कर जाएंगे, मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप होगा, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन गोल से डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब टारगेट वो ये नहीं सोचेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर लें, वो ये सोचेंगे कैसे अपनी ईगो सेटिस्फाई कर लूं। ऑलराइट, चलिए अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट के लिए, बहुत ब्रीफली और बहुत स्पीड से देखेंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंडस्ट्रियल रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, मिसलेनियस, ठीक है। चलो एक बार आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, चार ऑप्शन दे देगा, इट प्रमोट्स कॉम्पिटिशन, इट प्रमोट्स ग्रुप कोहेसिवनेस, इट प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1, 2 and 3, 1 only, 2 only, 3 only, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हो जब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट के बारे में पता है। अब फंक्शनल कन्फ्लिक्ट के बारे में ही नहीं पता, वहां पे कन्फ्लिक्ट वर्ड देखोगे सोचोगे ये तो कन्फ्लिक्ट है, मतलब कि झगड़ा हो रहा है तो ये सब कैसे होएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, और क्वेश्चंस के लिए आपका कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेबर लॉ के क्वेश्चंस वहां पर कवर कर रहे हैं और अब वीडियो कोर्स भी बना रहे हैं उस पर,
ठीक है, तो उसमें वीडियो डिस्कशन भी होगी उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो आप देख सकते हो। चलिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल में सबसे पहले आ जाते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर। अब इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं? मैनेजमेंट की पॉलिसीज, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड, मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क ज्यादा हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट की, या राइट एंड ऑब्लिगेशन है जो इंप्लॉयर्स का उसके ऊपर, ठीक है। अब किसी ने टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिख दिया, किसी बेवकूफ ने टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख दिया किसी कंपनी वाले ने कि भैया अगर तू मेरे यहां से नौकरी छोड़ेगा तो तू 6 महीने तक कहीं और काम नहीं कर सकता, दिस इज अगेंस्ट लॉ, ठीक है। ऐसे होते हैं कुछ लोग, तुम्हारे टीचर का भी सामना हुआ है एक से ऐसे से, ठीक है ना, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप अगर यहां से काम छोड़ोगे तो 6 महीने तक आप कहीं और काम नहीं कर सकते, दिस इज वॉट इज अगेंस्ट लॉ। और लेकिन आप एक इंप्लॉय से दस्तखत करा रहे हो ऐसे कागजों पे, अगर वो अनअवेयर है इस चीज को लेकर के, देन इट इज वेरी बैड। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फैक्टर्स। अभी ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेजेस, वेज स्ट्रक्चर कम है, वेजेस में से डिडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, दो एक दिन की छुट्टी मारी तो 2 दिन की वेजेस काटी जा रही है, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, अलाउंसेज नहीं मिल रहे हैं, वर्क रिलेटेड इश्यूज हैं, अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने नहीं दिया जा रहा है, जॉब इवेल्युएशन के मेथड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, फिजिकल वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी यूजेज के बारे में कुछ नहीं पता है, मशीन और प्लांट के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि हमने पहले भी देखा, आवर्स ऑफ वर्क अच्छे नहीं है, शिफ्ट वर्किंग नहीं है, प्रमोशन नहीं है प्रॉपर, लीव रूल्स अच्छे नहीं है, ले ऑफ बहुत ज्यादा है, रिट्रेंचमेंट, डिसमिसल, जॉब सिक्योरिटी, यूनियन इश्यूज, यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, या मेंबरशिप नहीं ले पा रहे हैं एम्प्लॉयज यूनियन की, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, लेबर लॉज को नहीं इंप्लीमेंट किया जा रहा प्रॉपरली, तो ये सारे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो डिस्प्यूट रिजल्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल रिलेटेड फैक्टर्स, किसी पर्टिकुलर मैनेजर की पर्सनैलिटी या बिहेवियर है किसी इंडिविजुअल वर्कर के साथ वो अच्छा नहीं है, या कोई इंडिविजुअल वर्कर है उसका बाकी वर्कर्स के साथ अच्छा नहीं है एटीट्यूड, हैबिट्स अच्छी नहीं है वहाँ पे लोगों की, ठीक है, बिहेवियर अच्छा नहीं किया जा रहा, सेल्फ एक्सप्रेशन का स्कोप नहीं है, पार्टिसिपेशन का स्कोप नहीं है, एम्प्लॉय की ग्रोथ नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं कहीं, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, अब सरकार ने पॉलिसी बना दी कि मिनिमम वेजेस को हम कम कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, सरकार ने कानून तो बना दिए लेकिन उन कानूनों की इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ नहीं बनाया ढंग का, तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके अलावा मिसलेनियस फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरवेंशन जो ट्रेड यूनियंस में होती है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल है कंट्री में, ठीक है, इंटर यूनियन राइवलरी है, ओनरशिप चेंज हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट लेकर के आते हैं, समझ रहे हो। और इन सब में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपका रेडी हो सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ओके। चलिए, अब कन्फ्लिक्ट को, कन्फ्लिक्ट तो हमने देख लिया क्यों होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच देख लिया, मॉडर्न अप्रोच देख लिया, अब कन्फ्लिक्ट में वर्कर किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वन ऑफ द मेथड्स है स्ट्राइक, ठीक है। अब स्ट्राइक जनरली क्या होता है, एक वर्कर अपने काम को छोड़ करके स्ट्राइक पे बैठ गया, और मेन इसका काम होता है प्रेशर डालना मैनेजमेंट के ऊपर। आपका सेक्शन 2Q है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, जो स्ट्राइक को डिफाइन करता है। वो कैसे डिफाइन करता है स्ट्राइक को? इट डिफाइन्स स्ट्राइक एज सीजेशन ऑफ वर्क, यानी कि काम रोक देना, बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस, ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ पर्संस दैट इज मोर देन वन पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ कंसर्टेड रिफ्यूजल और अ रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन और अ कंसर्टेड रिफ्यूजल, यानी कि कंप्लीट रिफ्यूजल नहीं, पार्ट ऑफ जॉब नहीं कर रहे आप, ऑफ एन एनी नंबर ऑफ पर्संस हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। जो भी नौकरी पे हैं, जिसको नौकरी से निकाल दिया, अगर 10 लोगों को नौकरी से निकाल दिया तो ये थोड़ी कहेंगे मैं स्ट्राइक पे बैठ रहा हूं, उनको तो वो स्ट्राइक करके करेंगे क्या, उनके पास तो जॉब ही नहीं है। तो जो लोग अभी एम्प्लॉयमेंट में हैं कंपनी की, वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अब स्ट्राइक, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक क्या होते हैं? एक होती है आपकी जो कंसेंट ऑफ स्ट्राइक को, आप एक तो कंसेंट ऑफ यूनियन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, एक
टैक्टिक्स क्या यूज किए यूनियन ने उसके ऊपर डिफाइन कर सकते हो, एक मिसलेनियस पर्पस के ऊपर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये फर्दर सब डिवाइडेड है, तो एक एक करके अब तीनों को देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ यूनियन। अब कंसेंट ऑफ यूनियन के हिसाब से एक होती है आपकी ऑथराइज्ड स्ट्राइक और एक होती है अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। ऑथराइज्ड स्ट्राइक आपकी वो होती है जो यूनियन के कंसेंट से होती है, ठीक है, जिसको ट्रेड यूनियन ने कंसेंट दिया है कि ओके वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक। दूसरी तरफ होती है आपकी अनऑथराइज्ड स्ट्राइक। ये अनऑथराइज्ड स्ट्राइक आपकी, जिसको आप पॉपुलरली लाइटनिंग स्ट्राइक भी बोलते हो या वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी बोलते हो, ये वो स्ट्राइक होती है जिसमें ट्रेड यूनियन कंसेंट नहीं देती, ठीक है, या एम्प्लॉयर को भी प्रॉपर नोटिस नहीं दिया जाता। अगर ऑथराइज स्ट्राइक होती है ना, ट्रेड यूनियन के कंसेंट से होती है, तो पहले एक प्रॉपर जो है नोटिस दिया जाता है एम्प्लॉयर को कि हाँ भाई इस तारीख को हम इस इन कारणों से स्ट्राइक पे जाएंगे। ये एक तरह से चेतावनी होती है कि स्ट्राइक पे जाने से पहले ही इशू रिजॉल्व कर लो, नहीं तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं इस तारीख को। लेकिन अनऑथराइज स्ट्राइक क्या होती है, यूनियन का कंसेंट तो आया नहीं, तो यूनियन का कंसेंट नहीं आया तो एम्प्लॉयर के पास भी प्रॉपर नोटिस गया नहीं, ठीक है। तो एक तरह से ये अनऑफिशियल स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो क्या क्या कह सकते हैं अनऑथराइज स्ट्राइक को, लाइटनिंग स्ट्राइक कह सकते हैं, वाइल्ड कैट स्ट्राइक कह सकते हैं, या अनऑफिशियल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एमसीक्यू बन सकता है सीधा सीधा, ठीक है। अब ऐसी स्ट्राइक नॉर्मली एक इमोशनल अपसर्ज का नतीजा होती है, या बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेशन हो गया हो, ठीक है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई और एम्प्लॉयर है सडनली रिफ्यूज्ड कि हम इस एम्प्लॉय की फैमिली को कंपनसेशन नहीं देंगे, एकदम से इमोशनल अपसर्ज हो गया सारे वर्कर्स में, ठीक है, दैट इज वॉट दैट विल बी अनऑथराइज स्ट्राइक, ठीक है। अब ये जो स्ट्राइक होती है ये वायलेशन होती है नो स्ट्राइक प्लेज का, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट में वर्कर्स कहते हैं कि हाँ भाई हम स्ट्राइक नहीं करेंगे जब तक हम प्रॉपर नोटिस नहीं दे देते, ठीक है। और ऐसी स्ट्राइक जब हो तब जो ट्रेड यूनियन होती है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स को यूज करे कि इस वाइल्ड कैट स्ट्राइक को या इस लाइटनिंग स्ट्राइक को खत्म किया जा सके। आर यू गेटिंग इट, ओके। और ऐसी स्ट्राइक्स प्रोहिबिटेड है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे के एम्प्लॉय कल को खड़े होकर कह दें कि हम नहीं आज ट्रेन चलाएंगे, ओके, दैट विल बी अ ब्लंडर फॉर द कंट्री। ऑलराइट, सो दैट थिंग कैन नॉट बी डन। चलिए उसके बाद आ जाती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिक्स यूज्ड टू हॉल्ट वर्क। टैक्टिक्स यूज में सबसे पहले आ जाती है आपकी ऑर्डिनरी स्ट्राइक, फिर आ जाती है आपकी स्लो डाउन, क्विकी, सिट डाउन, स्टेन स्ट्राइक, वर्क टू रूल स्ट्राइक एंड सिक इन स्ट्राइक। एक एक करके इन सबको देखते हैं कि किस क्या टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। अब ऑर्डिनरी स्ट्राइक में क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ड है, तो जैसी नॉर्मल स्ट्राइक होती है इंप्लॉयज अपना काम धंधा छोड़ करके चले गए, ठीक है, वर्किंग आवर्स जो है उनके उसमें उन्होंने काम नहीं किया और साथ ही साथ उन्होंने बाकी के वर्कर्स को भी बोल दिया कि भैया काम नहीं करना, उनको प्रिवेंट किया, ठीक है। अब रैलीज, पिकेटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर आल्सो मेड बाय द वर्कर्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट टू देयर ग्रीवेंसेस। स्ट्राइक पे चले गए काम छोड़ करके, रैली निकाल देंगे पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में ताकि पता चले लोगों को भी कि कितना बुरा हो रहा है इंप्लॉय के साथ, इस तरह की चीजें। उसके बाद आती है स्लो डाउन स्ट्राइक। अब स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होता है, वर्कर काम छोड़ के नहीं जा रहा, वर्कर अभी भी अपने जॉब पे है, ठीक है, वो काम नहीं रोक रहा पर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 यूनिट बना रहा था अगर एक वर्कर एक दिन में, तो अब वो 85 यूनिट बनाएगा, ठीक है। अब वर्कर ऐसी गो स्लो वाली प्रैक्टिसेस इसीलिए अडॉप्ट करता है क्योंकि अगर स्ट्राइक की रेस्ट्रिक्शन है किसी इंडस्ट्री में तो वो अब स्ट्राइक की रेस्ट्रिक्शन को भी जो है सरकमवेंट कर गया, घूम के चला गया, है ना, कि अब उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि तू स्ट्राइक कर रहा है, ये इलीगल है। वो कहेगा मैं तो स्ट्राइक कर ही नहीं रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे से बनी नहीं रही 100 यूनिट, मैं बना ही नहीं पा रहा, मैं तो उसी स्पीड से काम कर रहा हूँ, क्या कर लोगे, है ना। उसके बाद आता है क्विकी। अब क्विकी क्या होता है, इसमें वर्कर अपने वर्क स्टेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है, और कुछ समय के लिए, नॉट फॉर द कंप्लीट डे, कुछ समय के लिए काम रोक देगा कि भाई मैं आधे घंटे की स्ट्राइक पे जा रहा हूँ। जैसे कॉलेजेस में होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, टीचर्स वगैरह आपने देखा होगा वो ब्रीफ टाइम के लिए कि हम एक घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, दो घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है, वो ज़्यादा हर्ट कर जाती है। अब कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई असेंबली लाइन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, अगर वहाँ पे आधे घंटे के लिए भी काम रुक गया ना तो उसमें भी हजारों लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये कंप्लीटली काम नहीं रोकते हैं, ना ये छुट्टी पे जा रहे हैं,
ये सिर्फ आधा घंटा एक घंटा जो भी है या 15 मिनट के लिए काम रोक देंगे और इसी से इंप्लॉयर को थोड़ा थोड़ा लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली इनिशियली यूज किए जाती हैं इस तरह के स्टेप्स एज अ वार्निंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिट डाउन स्ट्राइक। अभी सिट डाउन स्ट्राइक क्या होती है? अब इसमें ग्रुप ऑफ वर्कर्स प्रोडक्शन फैसिलिटी का पूरा कंट्रोल रखेंगे, जहां पे मशीनें रखी हैं, सारी प्रोडक्शन फैसिलिटीज रखी हैं, उस एरिया को अपने कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, और प्रोडक्शन रोक दी और जो ओनर है उसको भी नहीं आने देंगे प्रोडक्शन फैसिलिटीज वाले एरिया में, एक तरह से कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग प्लेस के अंदर ही है, वर्किंग प्लेस को छोड़ के नहीं जा रहे, दे डू नॉट एब्सेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, वहीं पर बैठे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, और सारा जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और मैनेजर को भी या फिर जो ओनर है उसको भी एक्सेस नहीं करने दे रहे प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉपर्टी तो किसकी है? वो इंप्लॉयर की। तो इंप्लॉयर की प्रॉपर्टी पे ट्रेसपासिंग होगी, जबरन कब्जा हो गया, और इसी वजह से सिट डाउन स्ट्राइक को पेन डाउन स्ट्राइक या टूल डाउन स्ट्राइक भी कहा जाता है, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट है। इसका एक और वेरिएंट है जिसको आप सिट इन स्ट्राइक बोलते हो, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, वर्कर ऐसी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे जहां पर उनको जाना अलाउड नहीं है, ओनर के ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे कि हम तो स्ट्राइक पे हैं और हटेंगे नहीं वहां से, तो ये क्या हो गया, सिट इन स्ट्राइक हो गया। ऑफिस के रिसेप्शन पे जाकर बैठ जाएंगे जहां पे सारे कस्टमर्स आते हैं और हटेंगे नहीं वहां से, क्या हो गया, सिट इन स्ट्राइक हो गया। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको यहां पर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि सिट डाउन स्ट्राइक और सिट इन स्ट्राइक में डिफरेंस है क्या। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टे इन स्ट्राइक, ठीक है। अब स्टे इन स्ट्राइक क्या होता है? अ स्टे इन स्ट्राइक इज वन इन विच द स्ट्राइकिंग वर्कर रिपोर्ट टू देयर ड्यूटीज बट रिफ्यूज टू वर्क एंड दे डू नॉट लीव द प्लांट प्रीमाइसेस। काम पे चले गए, 10 बजे काम पे जाना था चले गए, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, छुट्टी पे बाहर नहीं आए, अंदर ही रहेंगे, रात को भी वहीं सोएंगे, ठीक है, और ओनर को बाहर रख देंगे फैक्ट्री से, ओनर को कह देंगे भाई तुझे नहीं आने देंगे प्लांट और मशीनरी के आसपास, कंप्लीट ऑपरेशनल हॉल्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे में बेचारे इंप्लॉयर को और खर्चा करना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी सेफ है कि नहीं अंदर, गुस्से में आए वर्कर्स का क्या पता प्लांट एंड मशीनरी तोड़ दें उसकी, ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न यहां पर आ जाता है। तो स्टे इन स्ट्राइक में, देखो सिट डाउन स्ट्राइक में क्या था, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में कब्जा करेंगे और चले जाएंगे, सिट इन स्टे इन स्ट्राइक में क्या है, वहीं पर रहेंगे चाहे 4 दिन वहीं सोएं, वहीं खाएं, वहीं पिएंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना है यहां पर, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है वर्क टू रूल स्ट्राइक। अब देखो रूल्स बना दिए ऑर्गेनाइजेशन ने, बना दिए या लॉ ने बना दिए, अब कई रूल्स ऐसे होते हैं जो वर्कर को हिंडर करते हैं काम करने में, अब वर्कर ऐसे ही रूल्स को यूज करेगा, समझ रहे हो, वर्कर्स ऐसे ही रूल को अब यूज करेंगे रूल्स को फॉलो करते हुए, और आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते कि भैया रूल क्यों फॉलो कर रहा, तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि रूल क्यों फॉलो कर रहा है। अब अगर आप देखो कोई सेक्टर है, वैसे अगर लॉ देखा जाए तो लॉ में लिखा है कि 8 घंटे काम करना है, 8 आवर्स जो है वो अलाउड है, उसके अलावा अगर आप काम कर रहे हो तो ओवर टाइम में आता है, होता है क्या ऐसा अगर आप में से कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, नहीं होता। मेरे तो बहुत से दोस्त हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, 8 घंटे कहने के होते हैं, 12 घंटे लगे रहते हैं बेचारे, ठीक है। अब ये वर्क टू रूल स्ट्राइक में क्या होगा, ये वर्कर कहेंगे भैया हम तो 8 ही घंटे काम करेंगे, पहले तो कर रहे थे 12 घंटे काम भी बिना किसी ओवर टाइम के, पर अब तो कहेंगे 8 घंटे काम करेंगे, उसके ऊपर काम कराना है तो ओवर टाइम लगेगा, तो ये क्या हो गया, एक तरह का वर्क टू रूल स्ट्राइक, ठीक है, और उतना ही काम करेंगे जितना रूल्स में लिखा है, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, समझ रहे हो, तो ये क्या होगा, वर्क टू रूल स्ट्राइक। ऑलराइट, चलिए उसके बाद सिक इन स्ट्राइक। स्ट्राइक करनी है क्या करें, लीव एप्लीकेशन दे देंगे कि मैं बीमार हूं, ठीक है, कन्वेंशनल स्ट्राइक नहीं है। 10 वर्कर हैं, 10 वर्करों ने कह दिया हम बीमार हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, इतने दिनों के लिए बीमार हैं। अब इंप्लॉयर भी फंस जाता है ऐसे केस में, कोई एक्शन नहीं इनिशिएट कर सकता वर्कर के अगेंस्ट, कोई रूल नहीं तोड़ रहे क्योंकि वो तो अपनी सिक लीव ले रहे हैं, ठीक है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब उन 100 के 100 लोगों ने सिक लीव ले ली कि भाई मैं तो आ ही नहीं सकता, मेरा तो पेट इतना ज्यादा खराब हो गया,
क्या करोगे? वर्क एम्प्लॉयर क्या करेगा? केस थोड़ी कर सकता उनपे किसका पेट खराब हो गया, ठीक है? तो लेकिन इंप्लॉयर समझ तो जाएगा कि उसे भी, वो भी इतना बेवकूफ तो है नहीं कि भैया 100 के 100 लोग एक दिन छुट्टी पे कैसे जाएंगे, एक साथ सबका पेट कैसे खराब हो गया। तो समझ गया वो, लेकिन एक्शन नहीं ले सकता। वर्कर्स भी बच गए, कहेंगे हमने तो कोई रोल ही नहीं तोड़ा, हम तो बीमार थे, हमें कैसे पता कि सबका पेट खराब हो गया। तो इशारा दे दिया उन्होंने इंप्लॉयर को कि सुधर जा, नहीं तो और भी लंबी स्ट्राइक हो सकती है। तो एक तरह से ये बड़ा इनोवेटिव वे है वर्कर्स का, जिससे वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं विदाउट स्ट्राइकिंग, ठीक है? एक सिग्नल मिल जाता है एम्प्लॉयर को इससे, ठीक है? चलिए, अभी ऑन द बेसिस ऑफ मिसलेनियस पर्पस है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपके लिए लेक्चर लंबा हो ज्यादा, इसीलिए इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू दिस। वैसे भी हमने अभी पार्ट टू देखना है, काफ़ी सारे हैं ये, और आई डोंट वॉन्ट कि अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आए आप लोगों की, ठीक है? तो एक दिन में उतना ही करना चाहिए जितना हम याद कर सकें। अभी अपने लिए पेपर के पास बहुत समय है, अगर पेपर पास होता तो लंबी लंबी क्लासें करते, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? और जो नए लोग आए थे सब्सक्राइब कर लेना। सो तबीयत का ध्यान रखें, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।